बड़ा गणपति पर पूर्व पार्षद और भाजपा प्रदेश के सह मीडिया प्रभारी दीपक जैन के द्वारा सूर्य भगवान को अर्घ देने का आयोजन किया। यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी हुई और भगवान सूर्य को और दिया। दीपक ने बताया कि संस्था सार्थक द्वारा हर वर्ष गुड़ी पड़वा नववर्ष पर यह आयोजन किया जाता है। 6 सालों से लगातार यह कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई, उसके पश्चात संतों का सम्मान किया एवं कन्याओं का पूजन किया गया। उसके बाद सभी के द्वारा सूर्य को अर्घ दिया गया। बता दें कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, टीनू जैन, कपिल शर्मा, जयदीप जैन, योगेंद्र महंत पार्षद एवं बड़ी संख्या में मातृशक्तियों एवं संत भी मौजूद रहे। आयोजन में प्रसिद्ध नियतंगना दमयंती द्वारा अवध के राम गाथा, रघुनंदन की काली, सतवन शिव धरुपड़ की प्रस्तुति भी दी गई। इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में युवा कार्यकर्ता और भाजपा नेता और महिला कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय नववर्ष है, हमारे वेद पुराणों में, वेदों की ऋचाओं में कैमरा आ रहा है, बहुत स्पष्ट है कि भगवान इसका सृष्टि की रचना आज ही की, और आज ही भगवान राम का राज्य ऐसी मान्यता है कि आज के दिन ही रावण का वध भी हुआ था और दुर्योधन का वध भी हुआ था। और भगवान योगेश्वर ने कहा था कि कलयुग की शुरुआत भी आज से ही हुई है। कुल मिलाकर यदि हम देखें वैज्ञानिक रूप से भी हम देखें तो पतझड़ इस समय होता, बसंत ऋतु का प्रारंभ होता है, पुराने पत्ते झड़ते और नए पत्ते आते हैं। कुल मिलाकर वेद की ऋचाओं में जो जो भी वर्णन है उसका वैज्ञानिक आधार भी है, इसलिए यह भारतीय कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष है, ये सारे विश्व का नव वर्ष है, क्योंकि आज ही के दिन मानव का सृजन भी हुआ था और आज ही के दिन वेद की चारों वेद की भगवान ने सृजन किया था, इसलिए इसको वेद संवत्सर भी कहते हैं। मेरी इस अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं। मैं आपके दर्शकों को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को भी आज नया वर्ष है ये बताएं और अपने घर में गुड़ धनिया बांटें, नीम की पत्ती खाएं और उत्सव की तरह इसको मनाएं। मेरी ओर से सबको इस नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिनेश आचार्य की